हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और मैं लेकर आपको एक यूनिक रेसिपी लेकर एक अलग अंदाज में, तो मैं मिट्टी के तवे में बनाऊंगी बहुत ही एकदम सोनी सोनी टेस्टी टेस्टी कुरकुरी क्रिस्पीदार एकदम पनीर पनीर। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें दिख रहा है टेक्सचर। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दी कि मैंने कितने अच्छे से इसको बनाया है, तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपको मैंने आपको मैं बता दूँ क्या क्या सामान मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ये सब्जी पहले से काट रखी है, अदरक मिर्च प्याज हरी धनिया, और इनको हम बारीक काट के रखेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है पनीर, इसको भी कस करके रख लिया है। तो ये मैंने आटा है, इसमें नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच ऑयल डाल करके आटा गूंथ लिया था और आधे घंटे के लिए रख दिया था। ये थोड़ा सा जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा थोड़ा सा मतलब नॉर्मलाइम होगा, ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। जो उससे होता है आटा होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना जब पैसा बिल्कुल फट जाएगा। इस बात का ध्यान रखा। और जो मेरे यहाँ पे लिया है 2 किलो पनीर, तो इसमें अच्छे से प्रेस करके कर सकते हैं कि आप लोग खुद कर सकते हो। इसे मैंने कर दिया है, तो आप टाइम को देख सकते हैं। पहले से करके रखा था पनीर, मैंने एक बड़ा साइज लिया था, इससे बड़ा था, उसको मैंने बारीक कटिंग कर दिया। और यहाँ पे आधा इंच का थोड़े सा अगर ये मैंने प्रेस कर दिया था, और ये दो इंच हरी डाल देती है और ये बारीक कटा दिया। खास बात है कि नमक सब्जी को मिलाने के बाद जो सब्जी से तब हम वहाँ पे ऐड कर देंगे नमक। तो नमक हमने पहले से थोड़ा करना डाला था, इसलिए ध्यान रखिए कि आप लोग सारा नमक डाला टेस्ट करके नमक ऐड करें। तो यहाँ मैंने अपने घर के अंदर से नमक खाते उसके साथ मैंने नमक डाल दिया है और फिर से मिला लूँगी। और हमें आटा तो पहले से ही गुजरा था, हमको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, तो आटा हार्ड नहीं होना चाहिए, नमक बाद में डालें। और देख सकते कि नमक एकदम खिला खिला जो टेक्सचर है एकदम परफेक्ट रेडी हो गया। अब जब गूंथे आटा, तो हमको मोटी से पूरी बनना रोटी बनना है, इसके लिए आटा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जो पनीर का प्लेट है थोड़ा मोटा ही लगता है। देखिए इस तरह के मैं रोटी बना लूँगी, खाने वाले घर पर हूँ तभी बनाइए, बहुत मजा आता है। और मैं दूसरी साइड भी इस तरह करके ऑयल लगा लूंगी। तो आप भी कभी ट्राई करिए कि मिट्टी के तवे में बाजरे की रोटियां बनाइए, कितना मजा आता है खाने में, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। और इसमें हम पराठा बनाते हैं, पराठा भी बहुत जोरदार का बनने वाला है, तो इसलिए आप खरीदिए और बनाइए कि एकदम देसी सौंधीपन जो आता पराठे में वही आएगा। और किस तरह करके मैं इसको चार तरफ से एकदम ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन हो जाएगा, जो जो इसमें बबल्स हैं थोड़े डार्क हो जाएंगे, तभी हम इसको पलटते रहेंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरह के हमारे सेकड़ा एकदम गोल्डन कलर का हो गया दोनों तरफ साइड से। और इस तरह मैं इसको पलटते हुए चार तरफ से बार बार पलटाऊंगी, जिससे एकदम क्रिस्पी जो हमारे ऊपर का परत लेयर हो। देखो आप देखने से पता चल गया कितना अच्छे से पराठा सेका हुआ। और इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी बेल लिया था और इसमें ऑयल लगा ले रही हूँ, दो बार हमको पलटना, तीसरे बार हमको ऑयल लगाना, इससे हमारे पराठा सॉफ्ट नहीं बनेगा, हार्ड बनेगा, मतलब फुलपूरी क्रिस्पी टाइप बनेगा, मुलायम नहीं बनेगा। तो देखिए थोड़ा सा हमारा जो लोहे की पतली हुई, देखिए आप देख सकते हैं जिसमें थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, तो हमको मोटा ही रखना है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये हमारे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पराठे सारे पराठे इसी तरह बना लूंगी। तो यहाँ मैंने 4-5 फैमिली के लोगों के लिए मैं 250 ग्राम पराठा बनाया था, पनीर 250 ग्राम था, उसी हिसाब से मैंने बनाया पराठा। तो आप अपने फैमिली के अनुसार मतलब पनीर ले सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे आपको पराठे इतने बनाकर दिखा रही हूँ, और यहाँ पे टमाटर की चटनी है, और यहाँ पे आप ये अचार जो मिर्च अचार उसके साथ भी खा सकते हैं, जो चाय है गर्मा गर्म चाय के मॉर्निंग टाइम भी आप नाश्ते के रूप में खा लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और हाँ, और आप देख सकते हैं अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं हम ऐसे ही रेसिपी लेकर, और मैं आपको इसको फोल्ड करके जो मैंने इसको ऊपर कपड़ा दिखा रही हूँ फोल्ड करके, देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बनकर रेडी हो गया है और खाने से बहुत ही मजा आ रहा है। हम चलते हैं गर्मा गर्म सर्व करने, और आप भी ट्राई करिएगा अपने फैमिली के साथ, खाइए, एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।